फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। हम बहुत सारे ऐसे शो देखते हैं जिनकी कहानी हमें बहुत पसंद आती है, जो लगातार ट्विटर पे ट्रेंड रहते हैं, जिनकी जोड़ी धमाल मचाती है, लेकिन वो टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाते, उनकी TRP वो कमाल नहीं कर पाते। वजह या तो चैनल्स होता है, या फिर जो है बस उनके जो फैंस फॉलोइंग है वही उन्हें जो है पसंद कर रहे हैं, बाकी पब्लिक या आम घर में जो जुड़ी जाती है वो उनके साथ नहीं जुड़ पा रही। बिहार से TRP आ जाएगी, ऐसे में उससे पहले गूगल टॉप 10 शो देता है, जिसकी मैं हमेशा ही वीकली क्लिप बनाकर देती हूँ। ऐसे में वो टॉप 10 शो कौन से हैं जो आपको शॉकिंग भी करेंगे और रॉकिंग भी कर देंगे, उनका कुछ तो होगा, अच्छा होगा बुरा होगा वो तो BRC के बाद ही पता चलेगा, लेकिन वो टॉप 10 शो कौन से हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 की पोजीशन पे है आपका अंजलि अवस्थी, एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जो कि इन दिनों काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ चल रहा है, जहां पे वो केस लड़ रही है और जो गद्दार है उन्हें जेल के अंदर डाल दिया है। ऐसे में जो है फैंस को स्टोरी पसंद आ रही है और 2 वीक से लगातार ये शो टॉप 5 में बना हुआ है। नंबर 9 की पोजीशन पे है आपका कुरले भाग्य, इस बार हो सकता है कुरले भाग्य ZTV का नंबर 1 शो हो। भाई बनते एकता के ही शो है नंबर 1 ZTV पे, बाकी देखते हैं, क्या पता और कोई शो बीट कर जाए। नंबर 8 की पोजीशन पे है खतरों के खिलाड़ी, जिसकी चर्चाएँ कम है पर TRP ठीक है, चर्चाएँ होना ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो है इस शो का खास बात है। बात आती है नंबर 7 पे है लाफ्टर शेफ, इस बार लाफ्टर शेफ की TRP शायद कम हो सकती है, पर किसी का कहना है कि लाफ्टर शेफ जो है TRP बढ़ाएगा, उम्मीद है, लेकिन फिलहाल जो इसमें दिखा रही है पोजीशन वो मुझे थोड़ा सा डाउन बता रही है। बात आती है नंबर 6 की पोजीशन पे है उड़ने की आशा, मुझे लग रहा है उड़ने की आशा टॉप 5 में एंट्री करेगा, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है उसके बावजूद भी ये शो टॉप 5 में एंट्री नहीं कर रहा है। इस शो के लिए तो मैं अभी शॉकिंग हूँ, अगर ये इस बार टॉप 5 में आ जाता है तो मेरा शॉकिंग जो है रॉकिंग में बदल जाएगा। बात आती है नंबर 5 की पोजीशन पे है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो है डोनेट वगैरह का जो है ड्रामा दिखाया जा रहा है, फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है, कह रहा है कि इस हफ्ते स्लॉट किंग बन सकता है। वैसे लास्ट वीक तो इसकी TRP डाउन हो गई थी, लेकिन उससे लास्ट वीक इसकी TRP अच्छी निकल कर आई थी, ये कभी भी झटका दे सकता है। नंबर 4 की पोजीशन पे है आपका झनक, जो कि हाई वोल्टेज ड्रामा जहाँ पे झनक की सर्जरी वगैरह ये सब दिखाया गया था, अब देखते हैं झनक का इतना ड्रामा देखकर TRP बढ़ती है या फिर TRP डाउन होता है। नंबर 3 की पोजीशन पे है ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ चला, मैरिज ट्रैक लोगों को काफ़ी पसंद आया, एक्साइटेड हो गया, लोगों को लगा कि अरमान की शादी रूही से होगी या फिर अभीरा से, मेकर्स ने मजबूर कर दिया ये चीज़ सोचने के लिए, लेकिन लोगों ने ये चीज़ सोची ही नहीं कि आखिरकार अभीरा के पास्ट का राज कब आएगा, वो लोग भूल कर सिर्फ शादी के ट्रैक में लग गए। नंबर 2 की पोजीशन पे है गुम है किसी के प्यार में, इस हफ्ते कह रहा है गुम की पोजीशन अच्छी हो सकती है, गुम कभी भी पोजीशन अच्छी कर लेता है, कभी भी डाउन कर लेता है, ये गुम है, कभी गुम हो जाता है तो कभी प्यार दिखा जाता है। नंबर 1 की पोजीशन पे है आपका अनुपमा, जो हमेशा ही बना हुआ है और अभी हिंदी टेलीविज़न में कोई शो पैदा नहीं हुआ है जो अनुपमा को बीट कर जाए, क्योंकि अनुपमा के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में इन टॉप 10 शो में से आपको कौन सा शो लगता है कि वाकई शॉकिंग करेगा या फिर रॉकिंग करेगा? लेकिन जो नए शो हैं, दुर्गा है, जागृति है, वसुधा है, रब रखा है, इन्होंने तो टॉप 10 में भी यहाँ पे जगह बनाई नहीं है, हो सकता है BRC में बना ले। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।